हेलो हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉग एम लैटम फॉर मैथमेटिक्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारा मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग के जो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को शॉर्ट में QPP कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं आपको QPP लिखा हुआ मिल जाए, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम पहले तो इसका जो जनरल जो मैथमेटिकल इसका स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्या होता है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास इसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अगर उसकी बात करें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें, तो वो होना चाहिए मैक्सिमाइजेशन के लिए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस एक्स का ट्रांसपोज डी एक्स। ठीक है, ये होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फॉर्मेट, किसमें, क्यूपीपी या क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें एक पोर्शन तो लीनियर होता है, ये लीनियर पोर्शन है। ठीक है, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म एक पार्ट इसका होता है। ठीक है, तो असल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, उसमें दो चीजें हो सकती है, एक तो लीनियर पार्ट हो सकता है उसमें, और एक हो सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्म पार्ट। ठीक है, तो इसमें अगर सी जीरो हो जाए, यानी कि लीनियर पार्ट नहीं भी हो, तो भी ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा। लेकिन अगर डी जीरो हो जाए, तो फिर ये क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें से क्वाड्रेटिक वाला पार्ट ही हट जाता है। ठीक है, तो सी मे बी जीरो बट डी डज नॉट जीरो। ओके, और इसमें जो कंस्टेंट्स होते हैं, कंस्टेंट्स वो होते हैं लीनियर कंस्टेंट। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं, यानी जैसे हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में होते थे, बिल्कुल वैसे। तो देखिए, ए एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, इनमें से कोई भी सिंबल हो सकता है, और यहाँ पे बी। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंस्टेंट्स। ठीक है, ये कंस्टेंट्स है, और एक जो हमेशा हमारे पास कंस्टेंट रहता है कि ये सब एक्स जितने भी है वो नॉन जीरो रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कैपिटल एक्स है वो क्या है, वो एक एन वेरिएबल्स का, जो कैपिटल एक्स है वो क्या है, वो है एक एन वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है। ठीक है, एक एन वेरिएबल वेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, एक्स इज एन वेरिएबल वेक्टर, तो एक्स इज बिलोंग्स टू आर एन। ठीक है, सी भी क्या है, सी भी एक एन वेरिएबल का ही वेक्टर है। ठीक है, तो ये भी एक एन वेरिएबल वेक्टर है, और जो डी है वो क्या है, डी अपना है एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ठीक है, डी इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, जो डी है हमारी वो क्या है, वो है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, और ए क्या है, ए हमारी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। ठीक है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, यानी कि एम तो इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और एन वेरिएबल है, एम क्रॉस एन होने का मतलब। ठीक है, और एक्स जैसे कि मैंने बता ही चुका हूँ, ये भी क्या है, एन वैक्टर है ना, एन वेरिएबल्स का वैक्टर है, सी भी एन वेरिएबल्स का वैक्टर है। तो ये सब रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में, इसका हमेशा मैक्सिमाइजेशन में हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो मोस्ट जनरली मैक्सिमाइजेशन में इसका यूज होता है, वुल्फ्स मेथड के अंदर मैक्सिमाइजेशन में यूज होता है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग का मैथमेटिकल, ठीक है, स्ट्रक्चर है। अब देखिए, मैक्सिमाइजेशन में लेने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हमें जब भी इसका यूज करना होगा, इसका जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो हम दो बातें ध्यान रखेंगे। एक बात तो क्या, कि यदि हमारे पास ये जो पोर्शन है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म पोर्शन है एक्स टी डी एक्स, ये अगर क्या है, कॉनकेव या फिर स्ट्रिक्टली कॉनकेव है। ठीक है, या तो ये क्या होना चाहिए, कॉनकेव, या फिर क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली कॉनकेव, तब इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, वो कैसा आएगा, मैक्सिमाइजेशन के लिए आएगा। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमा होगा वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या होना चाहिए, कॉनकेव या स्ट्रिक्टली कॉनकेव, उस पोजिशन पर जो हमारे पास लोकल मैक्सिमा इस प्रॉब्लम के लिए आएगा, लोकल मैक्सिमा जो इस प्रॉब्लम से हमें अकर होगा, जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। क्योंकि हमने ऑलरेडी जो शुरू में डिस्कस की थी थ्योरम्स, वहीं से रिलेट करता है। मैं आपको पहले बताया था कि जो कॉनकेव फंक्शन होता है वो कैसा होता है, वो उल्टे यू टाइप का होता है। ठीक है, यानी लगभग उस तरह की ज्योमेट्री मान सकते हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम पॉइंट है वो एक ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो लोकल मैक्सिमा है वही ग्लोबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये वहां से आपको याद रखना है। और एक चीज ये है कि हम कैसे पता करें कि कॉनकेव है कि कॉनवेक्स है, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरम बताई थी, जब हमने थ्योरम्स पर डिस्कशन किया था शुरू शुरू वाले लेक्चर्स में, वो ये कहती थी कि यदि ये जो डी है, ठीक है, यदि डी क्या है,
एक्स ट्रांसपोज ऑफ, ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये कौन, ये क्या है, अगर नेगेटिव है, नेगेटिव डेफिनेट है, डेफिनेट है, तब हमारे पास जो ये फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, वो होता है कॉनकेव, ठीक है, तब क्या हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है फंक्शन, ठीक है, अगर नेगेटिव डेफिनेट है तो इसके रिलेटेड फंक्शन क्या हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है। और नेगेटिव डेफिनेट हम फाइंड कैसे करेंगे, हम उसके लिए क्या करेंगे, डी माइनस लैम्डा आई के मोड के, ठीक है, से क्या निकालेंगे हम इसके, इस जो इक्वेशन है इससे हम इसके आइगन वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, और अगर लैम्डा क्या है, सारे के सारे नॉन जीरो आ जाते हैं, ठीक है, फॉर ऑल लैम्डा, ये क्या है, नॉन जीरो, एक तो नॉन जीरो हो और दूसरे क्या हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव एंड नॉन जीरो जब लैम्डा आ जाएंगे, फॉर ऑल लैम्डा, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कॉनकेव कहलाएगा, ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी है। तो यदि हमें चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, जो डी उठाएंगे उसके लिए आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो हम डायरेक्टली कहेंगे कॉनकेव है, कॉनकेव होती है क्या हो जाता है, इसका लोकल मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा हो जाता है, ठीक है। और इसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, वुल्फ मेथड को अप्लाई करेंगे जो हम आज पढ़ने वाले। तो ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग के, है ना, जानिब हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये रहा क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग, आइए अब हम शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है वो है वुल्फ मेथड। वुल्फ मेथड में हम क्या करने वाले हैं, वुल्फ मेथड में हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जो हमारा वुल्फ मेथड है वो यूज करता है हमारी केटी कंडीशंस को, ठीक है। हमने इससे पहले केटी कंडीशंस को रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम क्वाड्रेटिक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो वहां पर केटी कंडीशन को लेकर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होती है, ठीक है। तो वो केटी कंडीशन जो हम यहाँ यूज करेंगे वो लगभग वही कंडीशन है जो हम वहां यूज कर रहे थे, ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा फर्क ये होगा कि हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के मद्देनजर उसको वैसा चेंज लाएंगे, ठीक है। तो देखिए केटी कंडीशंस, ठीक है, ये क्या होंगी, पहली केटी कंडीशन होगी डेल एफ एक्स लैम्डा अपॉन डेल एक्स आई या एक्स जे, जो भी चाहिए, ठीक है, ये लेस देन इक्वल्स टू जीरो लेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन कहती है कि डेल एफ एक्स लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा जे, ठीक है, या लैम्डा आई दे लीजिए, जो भी नोटेशन आप देना चाहें, जितने भी लैम्डा है उनके लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट। थर्ड केटी कंडीशन है वो कहती है कि डेल एफ एक्स कोमा लैम्डा अपॉन डेल एक्स जे इंटू डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ एक्स जे, इसी वेरिएबल के साथ वापस डॉट, ये इक्वल्स टू जीरो आएगा। चौथी जो कंडीशन है वो कहती है कि डेल एफ एक्स कोमा लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा आई डॉट लैम्डा आई इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और पांचवी जो कंस्टेंट है वो कहता है कि ऑल लैम्डास आर पॉजिटिव, ठीक है, ये रहता हम यूज करेंगे किसमें, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पांचवी लैम्डा को लेकर कंस्टेंट है लेकिन यहां पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो हम यहीं से जो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में केटी कंडीशंस यूज करने वाले हैं, जो वुल्फ मेथड में केटी कंडीशन यूज करने वाले हैं, वो ये चार कंडीशन को यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको अभी चार ही कंडीशन बताई है, ठीक है। तो जो पहली कंडीशन है उसमें हम क्या करेंगे, सभी जितने भी एक्स होंगे फंक्शन में उन सबका क्या करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, लैम्डा के रेस्पेक्ट में जितने भी डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। और इस कंडीशंस को स्पेसिफिकली यूज करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट कंडीशंस है यहाँ पे, ठीक है, इनके बारे में हम बताएंगे। हम एक एग्जांपल के साथ वुल्फ मेथड को शुरू करते हैं, ठीक है, उसी के साथ मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और इन जो कंडीशंस हैं उनको कैसे क्या यूज करना है वो बताऊंगा, ठीक है। हम इस फंक्शन से तो वेल नोन होंगी, ठीक है, ये फंक्शन क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस कंस्टेंट इंटू लैम्डा जो फंक्शन बनता है, ठीक है, लैग्रांजियन हम मल्टीप्लायर फंक्शन, ठीक है, ये वही है, बस इसको यहाँ पे इस फंक्शन के लिए लिखा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बनाना है एक्स लैम्डा को, एफ एक्स लैम्डा को, जैसे हम लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड में बना देते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन और समझते हैं वुल्फ मेथड उस क्वेश्चन की सहायता से। सो देखिए अब हम शुरू करते हैं ये एग्जाम्पल, ठीक है, और समझते हैं वुल्फ मेथड को बाय दिस एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको पहले बताया था कि क्यूपीपी में जो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसे मैक्सिमाइजेशन का लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में है, तो हमें सबसे पहले इस जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसे मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हमारे पास लीनियर ही है, ठीक है, यानी सब सही जा रहा है, ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन भी है, और जो हमारा
एक बार हम फिर से ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखें तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। यहां तक का पार्ट लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन की ओर। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, और मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग माइनस, ठीक है। तो उस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड डैश। जेड डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड डैश इज रिप्रेजेंटिंग माइनस ऑफ जेड, ओके, इज इक्वल्स टू ये देखिए टेन एक्स वन प्लस 25 एक्स टू माइनस 10 एक्स वन स्क्वेयर माइनस एक्स टू माइनस 4 एक्स वन एक्स टू, और ये कांस्टेंट सेम रहेंगे, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये लीनियर पार्ट को छोड़कर ये जो क्वाड्रेटिक पार्ट है, ठीक है, ये सी एक्स वाला पार्ट है और ये एक्स टी डी एक्स वाला पार्ट है, तो यहां से इस डी को फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है उसे डी कैसे बनाया जाता है प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो देखिए इसका मैं डी बनाता हूँ। डी बनाने के लिए मैं आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे एक्स दो वेरिएबल के अंदर मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम कितने वेरिएबल है इसमें, दो वेरिएबल है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो एक 2x2 का मैट्रिक्स होगा और उसमें जो डायगोनल एंट्रीज होगी वो एक्स वन स्क्वेयर का कोएफिशिएंट और एक्स टू स्क्वेयर का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो पहली तो क्या होगी, -10 डायगोनल की एंट्री, और दूसरी एंट्री होगी यहां से -1, ठीक है। और ये जो बाकी रिक्त स्थितियां है, ये जो एम्प्टी पोजीशंस है, यहां पर क्या आएगा, x1 x2 का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ हाफ करके हम दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो -4 के हाफ -2, तो -2 यहां पर -2 यहां पर, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स डी जो यहां पर होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं कि क्या गिवन फंक्शन जो है वो कॉनकेव है कि नहीं, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं आप हर क्वेश्चन में करो, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपको करके दिखा देता हूं, अगर आप वो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन मिले तो वो मिलेगा कॉनकेव ही, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक बार टेस्ट करके दिखा दोगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन बैठेगा, और यदि आप नहीं कर पा रहे चेक टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसका टेस्ट करने के लिए इसकी आइगन वैल्यूज निकालते हैं, तो डी माइनस लैम्डा आई फाइंड करना है हमें, वो क्या होगा, देखिए मैट्रिक्स -10, ठीक है, माइनस लैम्डा, यहां से क्या हो जाएगा -2 एज इट इज, यहां से -2 एज इट इज, यहां से -1 माइनस लैम्डा 9। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहां से मल्टीप्लाई, तो इसको ये लिख सकते हैं 10 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, ये -2 है, दोनों तरफ से निकल के मैंने कैंसिल कर दिया, यहां से क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है। और इसको इक्वल्स टू 0 लेना होता है हमको, इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज करके, और देखिए और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आएगा 10 1 जा 10, ठीक है, यहां से प्लस 10 और प्लस 1 11 लैम्डा, ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वेयर -4 इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज देखिए और सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वेयर प्लस 11 लैम्डा, ठीक है, और यहां से प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है अगर आप इसके रूट्स फाइंड करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैं यहां से आपको डायरेक्ट देख के बता सकता हूं कि इसके जितने भी लैम्डा होंगे वो नेगेटिव होंगे, क्यों, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो वो उसको कभी सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि सारी जगह प्लस साइन है, पॉजिटिव वैल्यू से ये कभी भी जीरो के इक्विवेलेंट नहीं आ सकता, इसलिए लैम्डा को जीरो ही होने पड़ेंगे दोनों लैम्डा को, सॉरी नेगेटिव होना पड़ेगा दोनों लैम्डा को, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या इंप्लाइज होता है कि ऑल लैम्डास आर नेगेटिव, और ऑल लैम्डास आर नेगेटिव विच इंप्लाइज, है ना, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसी है, कॉनकेव है, या फिर बोल सकते हो जो क्वाड्रेटिक पूरा फंक्शन बन के आया हमारे पास ये क्या है, कॉनकेव है, विच इंप्लाइज एक्स टी डी एक्स इज कॉनकेव, और ये कॉनकेव होने का मतलब क्या है, जो ग्लोबल है ना, जो लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा इज ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये यहां से आप डायरेक्ट बता सकते हैं। और देखिए अब हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए भी क्या करना है, ये आप चेक करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो ना करें, अगर एग्जाम में आपका टाइम है तो कर दे, नहीं है तो ना करें, ठीक है, ये प्रॉपरली आप पर डिपेंड करता है, ये जो हमने आइगन वैल्यू वाला प्रोसेस किया है वो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें केटी कंडीशन को लगाना है, ठीक है। तो देखिए और हाँ, इससे ये पता चलता है कि जो फंक्शन है वो कॉनकेव है, तो केटी कंडीशंस जो नेसेसरी थी वो क्या है, सफिशिएंट भी है, ठीक है।
तो सफिशियंसिटी भी होती है केटी कंडीशंस की यहाँ पे। तो और देखिए अब हमें क्या करना है, केटी कंडीशन का यूज करना है, करना पड़ेगा। केटी कंडीशन यूज करने से पहले भी इस फंक्शन और इन कांस्टेंट की सहायता से लैग्रांजियन मल्टीप्लायर फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वो बनाते हैं। वो क्या होगा, एफ एक्स लैम्डा इज इक्वल टू ये पूरा फंक्शन, ठीक है, टेन एक्स वन प्लस 25 एक्स टू माइनस 10 एक्स वन स्क्वेयर माइनस एक्स टू स्क्वेयर माइनस 4 एक्स वन एक्स टू। ठीक, क्या करते हैं हम लिखते हैं कंस्टेंट, तो कंस्टेंट क्या लिखेंगे यहां से, लैम्डा 1 10 माइनस इसको दिलाएंगे पूरे को एक्स वन माइनस 2 एक्स टू, ठीक है, प्लस में लैम्डा 2, लैम्डा 2 कहां से, यहां से 9 माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक है, ये बन गया लैग्रांजियन मल्टीप्लायर फंक्शन। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन की सहायता से हमारी जो क्या नाम से केटी कंडीशन है उनको यूज करना है। ठीक है, तो देखिए पहली केटी कंडीशन क्या थी, पहली केटी कंडीशन थी डेल एफ अपॉन डेल एक्स जे आर लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, देखिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्स वन और एक्स टू दो है, तो हमें इसका x1 के रेस्पेक्ट में पहले पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है और फिर x2 के रेस्पेक्ट में। तो जाइए निकालते हैं इसका x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए x1 के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहां से 10 आएगा, ठीक है, 10 यहां से 0 यहां से 10 टू जा 20 तो माइनस 20 x1, ठीक है, यहां से 0 यहां से माइनस के 4 x2 माइनस के 4 x2 यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा माइनस के लैम्डा 1, ये 0 ये 0 यहां से माइनस 1 तो यहां से माइनस के लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा 1 यहां से क्या आएगा माइनस का लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 2। ये क्या है पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। ठीक है, और सिंबल क्या आएगा लेस देन इक्वल्स टू 0 का। ठीक है, अब क्या करना है, इसको x2 के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए यहां ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 ये टर्म 25 देगी, ठीक है 25 यहां से क्या आ जाएगा, ये 0 यहां से माइनस के 2, ठीक है माइनस के 2 x2, ठीक है यहां से क्या जाएगा माइनस का 4x1 माइनस का 4x1 यहां से क्या जाएगा माइनस के 2 लैम्डा 1 माइनस के 2 लैम्डा 1 और यहां से क्या जाएगा यहां से आ जाएगा माइनस के लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया मेरे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, पहली कंडीशन के अनुसार अब देखिए इनको हम क्या कर लेंगे, इनको हम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, एक बार और आइए देखते हैं सेकेंड कंडीशन से हम किस तरह से इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन होती है डेल एफ अपॉन डेल लैम्डा आई आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके हिसाब से हम यहां पर फाइंड करते हैं पहले डेल एफ अपॉन डेल लैम्डा 1। ठीक है, तो लैम्डा 1 के रेस्पेक्ट में जो हम करेंगे तो ये सब 0 ये टर्म 0 यहां से जो इसका कोफिशियंट है लैम्डा 1 का केवल वो बचेगा, तो ये कोफिशियंट, ठीक है, 10 माइनस एक्स वन माइनस टू एक्स टू और साइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ एक बार लेस देन इक्वल्स टू 0 में लिख देता हूँ। ठीक है, ये हम सहायता के लिए सिंपलिसिटी के लिए लिख रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स वन प्लस टू एक्स टू, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 10। देखिए ये बिल्कुल ऐसा बनाना है हमको। ठीक है, ये ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये भी लेस देन का हो जाएगा, ये ऑलरेडी लेस देन के है, तो हमारे पास जो हम आगे वेरिएबल्स को आगे पीछे करेंगे उसमें आसानी होगी। ठीक है, और देखिए यहां से जब हम इसका लैम्डा 2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली तो ये सब 0 हो जाएगा और इससे इसका कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 9 माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यहाँ के कारण, और फिर हम इसको लेस देन की बना देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू इज लेस देन इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये बढ़ गया हमारे पास। देखिए अब हमारे पास चार इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इन चार इक्वेशंस की सहायता से अब हमें क्या करना होगा, आगे प्रोसीड करना होगा। ये यहाँ पर अभी के लिए अब इनका यूज और कुछ नहीं है, अभी चार इक्वेशन हमें यूज आएगी। तो ये देखते हैं इन चार इक्वेशन की सहायता से हम किस प्रकार फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। तो दोस्तों अब हम फाइंड करते हैं इन चार इक्वेशन की सहायता से सॉल्यूशन। उसके लिए अभी हमारे पास आपने देखा होगा कि थर्ड और फोर्थ कंडीशन यूज नहीं किए और मैंने आपको बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, तो उनका यूज अब थोड़ा सा आगे शुरू होगा। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले इन जो हमने इक्वेशंस फाइंड किए 1 2 4 इनको स्लेक वेरिएबल जोड़कर हमें क्या बनाना पड़ेगा, इक्वलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दो तरह के स्लेक वेरिएबल काम में लूंगा, एक तो टी वन टी टू और एक एस वन एस टू। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं थोड़ा आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लिए जो स्लेक वेरिएबल है वो मैं टी वन लूंगा, इक्वेशन टू के लिए
मैं टी टू लूंगा, तब उससे ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, टेन माइनस ट्वेंटी एक्स वन माइनस फोर एक्स टू माइनस लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू प्लस टी वन इट इज इक्वल टू जीरो। टी वन क्या है, स्लेक वेरिएबल है। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में ट्वेंटी फाइव माइनस टू एक्स टू माइनस फोर एक्स वन माइनस टू लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इज इक है ना प्लस में टी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, टी टू भी क्या है, स्लेक वेरिएबल है। अब इन दोनों के लिए एक नए स्लेक वेरिएबल लाएंगे, वो क्या होंगे, एस वन और एस टू। तो देखिए एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस में एस वन इज इक्वल टू टेन, और लास्ट वाली के लिए एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस में एस टू इज इक्वल टू नाइन। एस वन एस टू टी वन टी टू अलग अलग क्यों लिए हैं सिलेक्ट वेरिएबल, आप टी वन टी टू टी थ्री टी फोर क्यों नहीं ले लिए, या एस वन एस टू एस थ्री एस फोर क्यों नहीं ले लिए, या कोई और क्यों नहीं ले लिए, तो देखिए इसका रीजन है अब शुरू होगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें जो हमारे पास तीसरी जो कंडीशन थी वो क्या थी, वो थी डेल एफ अपॉन डेल एक्स जे इंटू एक्स जे इज इक्वल टू जीरो, और लास्ट कंडीशन थी कि डेल एफ अपॉन डेल लैम्डा आई डॉट लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन कंडीशंस को अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं, ये हमने फाइंड कर रखा है ये ना, ठीक है, और उसी से हमने ये इक्वेशन बनाई है, तो ये इक्वेशन बराबर है, इस पे हम डॉट एक्स वन करेंगे। ठीक है, पहले वाले को एक्स वन से डॉट करेंगे, तब यहां पर क्या बनेगा, टी वन डॉट एक्स वन। ठीक है, क्या बन के आएगा, इस पूरी इक्वेशन को एक्स एस वन से करना है ना, एक्स वन के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो एस वन से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो जब मैं इसको पूरी को एस वन से करूंगा तब यहां पर एक कोफिशियंट बनेगा टी वन एक्स वन। ठीक है, और वैसे जब इसको x2 से करूंगा तब यहां पर बनेगा एक t2 x2। ठीक है, और जब मैं इसको अगर बात करूं तो इस कंडीशन से जब लैम्डा 1 के रेस्पेक्ट में है तो लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर जब लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहां पर एक कोफिशिएंट बनेगा लैम्डा 1 s1, और यहां पर उसी हिसाब से बनेगा लैम्डा 2 s2। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वुल्फ मेथड में यहां पर ये चारों जो कोफिशिएंट होते हैं वो इक्विवेलेंट आते हैं विद द हेल्प ऑफ दीस टू इक्वेशंस, और इनकी वैल्यू हो जाती है जीरो। ठीक है, और ये जो कंडीशन है इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन, ट्री कंडीशन, कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या आएगा, इसका यूज मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन जब भी एक चीज ध्यान रखना, हम आगे जब सॉल्यूशन निकालेंगे कि जहां पर टी वन होगा वहां एस वन नहीं आ सकता, जहां टी टू होगा वहां एस टू नहीं आ सकता, जहां पे लैम्डा वन होगा वहां पे एस वन नहीं आ सकता, जहां लैम्डा टू होगा वहां एस टू नहीं आ सकता। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग सिलेक्ट वेरिएबल क्यों लिए, ताकि हमें याद रहे कि x1 वाले सिलेक्ट वेरिएबल तो ये है x1 x2 वाले, तो और s1 और लैम्डा 1 लैम्डा 2 के लिए कौन है s1 s2। ठीक है, ताकि ये दोनों को अलग अलग ले सके, याद रह सके, जब हम क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड करेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ध्यान रह सके कि अगर s1 x1 की एंट्री हो रही है तो t1 नहीं होना चाहिए, है ना, t2 की एंट्री हो रही तो x2 नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रहे, इसलिए हम इनको अलग अलग लेकर लिखते हैं। ठीक है, अदरवाइज इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, बस आपको याद रखने में कंफ्यूजन ना हो इसलिए इनको यू रिलेट किया जाता है कि ये थोड़े अलग दिखाई दे, हालांकि इनका यूज एक ही है। ठीक है, तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन के कारण इनको हम अलग अलग लिख रहे हैं, ये हो गया यहां तक का। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को देखिए, अब मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं वो अलग अलग किताबों में अलग अलग होगा, मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं अगर आप वो फॉलो करेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर हमेशा अच्छे आएंगे। ठीक है, सेम आएंगे, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है अगर आप कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं। तो देखिए क्या होगा, हम इस जो पहली दूसरी जो इक्वेशन है उनको थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे। ठीक है, अलग करके कैसे लिखेंगे, ऐसे, हम देखिए पहली दूसरी कंडीशन को कैसा लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं इसको ट्वेंटी एक्स वन प्लस फोर एक्स टू, इनको उधर ले गया, ठीक है, और इन सबको भी उधर ले जा रहा हूं, माइनस टेन प्लस में लैम्डा वन प्लस में लैम्डा टू, ठीक है, और माइनस का टी वन इक्व टू जीरो, और यहां से ट्वेंटी यहां से आएगा फोर एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस का ट्वेंटी फाइव प्लस टू लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू माइनस का टी टू इक्व टू जीरो, और यहां को एग्जैक्टली ऐसा ही रखना है, एस वन प्लस टू एक्स टू प्लस एस वन इक्वल टू टेन और एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एस टू इक्वल टू नाइन। ठीक है, इनको क्या करना है, जस्ट ओपोजिट ले जाकर लिखना है, इससे टी वन और टी टू नेगेटिव हो जाए, ठीक है, और एक्स वन और एक्स टू के जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, केवल ये इसी तरह से आपको फॉलो करना है, ठीक है, स्टेप को, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहां नेगेटिव आने के कारण क्या है, बाय द वुल्फ मेथड हम यूज करेंगे, ये वुल्फ मेथड ने बताया था,
कि जब ये माइनस के हो जाए तो हम दो आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे, ए वन एंड ए टू, ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल वेरिएबल। ये किसके कारण आए? वुल्फ्स मेथड में ये वुल्फ्स ने यूज किए थे, ठीक है, और उसको कहां करना है, उनको इस जगह पर हमें ऐड करना है, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा वो हम अभी आपको बताते हैं। ए वन इज इक्वल टू जीरो प्लस ए टू इक्वल टू जीरो। इसका फायदा ये होगा कि जब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो हम सिंपलेक्स मेथड की सहायता से करेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए वन ए टू एस वन और एस टू हमारा क्या बना देगा, हमें यहाँ पे बना के दे देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, जो सिंपलेक्स मेथड में आती है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन तैयार है। अब बोलोगे सर इक्वेशन तो है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ है, सिंपलेक्स मेथड यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया जाता है जेड इज इक्वल टू माइनस ए वन माइनस ए टू। केवल इतना सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें लेके चलना है, जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हमें यूज नहीं करना। वुल्फ्स मेथड में हमें ये नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करना है जो आर्टिफिशियल वेरिएबल से क्रिएट होगा, ठीक है। आप क्योंकि हर बार क्वेश्चन में ये करेंगे इसको नेगेटिव, तो अगर हर बार आर्टिफिशियल वेरिएबल आएंगे और आर्टिफिशियल के नेगेटिव का सम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है वुल्फ्स मेथड में, ठीक है। और इसी को यूज करते हुए और इन चार कंस्ट्रेंट के हिसाब से अब ये क्या बन गई, ये बन गई अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या बन गई ये जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनी वो है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम करेंगे सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व, सिंपलेक्स मेथड, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सिंपलेक्स मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकालना है और ये कंडीशन कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन किस तरह से सिंपलेक्स मेथड में हमें काम में आएगी, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस एलपीपी को फाइंड करते हैं, इस एलपीपी का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं विथ हेल्प ऑफ सिंपलेक्स मेथड, ठीक है। तो सिंपलेक्स मेथड में हमारे पास ये टेबल का फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ सीजे वाली लाइन में लगाते हैं ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसमें वेरिएबल्स की कॉस्ट को, ठीक है। तो ये सब जीरो जीरो है, केवल ए वन और ए टू की कॉस्ट है हमारे पास वो माइनस वन माइनस वन, ठीक है। और देखिए हमारे पास जो ये होता है, ये क्या होता है हमारा बेस वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे क्या आते हैं, एक्स भी क्या होता है बेस वेरिएबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस में जो वेरिएबल होते हैं वो कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, हम इसकी जो मैट्रिक्स बनाते हैं कोफिशियंटों की, ठीक है, जो कंस्टेंट्स की मैट्रिक्स बनाते हैं उसमें जहाँ आइडेंटिटी बनती है वो वैल्यूज हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है, वो वेरिएबल्स। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वन के कारण फर्स्ट आएगा, ए टू के कारण सेकेंड एंट्री आएगी, एस वन के कारण थर्ड एंट्री और एस टू के कारण फोर्थ एंट्री आएगी, जो मिलकर क्या बनाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगी, ठीक है। उस कारण से ए वन ए टू एस वन एस टू हमारे पास क्या है, वो बेस वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ बी में क्या आती है, बी में वो वैल्यूज होती है जो इक्वल के इधर लिखी जाती है, ठीक है। तो ये वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमने लिख दी है। और देखिए यहाँ पर आते हैं इन कंस्टेंट्स के जो कोफिशिएंट होते हैं वो, तो ये 24 1 1 माइनस 1 0 0 0 1 0 क्या है, यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। वैसे सेकंड लाइन के लिए सेकंड के, थर्ड के में थर्ड के और फोर्थ में फोर्थ के, ठीक है। और देखिए फिर हम फाइंड करते हैं जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे कैसे फाइंड करते हैं, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि एक्स वन के जो कोफिशिएंट होता है उसको और सी बी वन, सी बी वन क्या है, इनके जो कॉस्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो, तो ए वन ए टू यहाँ पे कॉस्ट वन वन और एस वन एस टू का कॉस्ट क्या है, जीरो है, तो ये जीरो जीरो, ठीक है। और देखिए इसको यहां से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 20, यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4, यहां से जीरो और यहां से जीरो, और इन सब वैल्यूज को जोड़ते हैं तो क्या जाएगा, माइनस 20 माइनस 4 माइनस 24 जीरो जीरो माइनस 24 और फिर फाइनली इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं जेड जे माइनस सी जे और ये क्या आता है, माइनस के 24 आ जाता है। इसी प्रकार इसमें माइनस के 6 आएगा, इसमें माइनस के 3 आएगा, इसमें माइनस के 2 आएगा, इसमें 1 इसमें 1 इसमें 0 0 0 और 0, ठीक है। जब हम करेंगे तो एक बार मैं आपको लास्ट वाले के लिए बता देता हूँ, यहाँ से इसका मल्टीप्लीकेशन 0, यहाँ से इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 1, यहाँ से 0 यहाँ से 0, ठीक है। माइनस 1 आ गया, उसमें ये माइनस करना है तो माइनस 1 में माइनस 1 को माइनस किया तो कैंसिल 0, तो ये 0 आ गया। तो ये थे जेड जे माइनस सी जे, ठीक है। अब इसमें जो मोस्ट नेगेटिव होता है वो हमारा होता है एंट्रिंग वेक्टर, ठीक है। ये क्या हमारा एंट्रिंग वेक्टर है, और अब हम जैसे एंट्री वेक्टर फाइंड कर लेते हैं तो हम निकालते हैं मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो कैसे निकालते हैं एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं। मिनिमम रेशो के लिए क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास ये बी की वैल्यूज होती है उनको हम डिवाइड करते हैं हमारे एंट्रिंग वेक्टर के, ठीक है, जो मेंबर्स हैं उनसे। तो 10 को डिवाइड करेंगे 20 से, ठीक है, और 25 को डिवाइड करेंगे 4 से, 10 को 1 से और 9 को 1 से, ठीक है। ये डिवाइड करने के बाद में हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होगी इनमें से वो हमारा क्या होगा, सेलेक्ट होगा, ठीक है, वो वेक्टर हमारा सेलेक्ट होगा। तो देखिए 10/20 1/2, ठीक है, 25/4 25/4 हो जाता है 25/4, ठीक है। और देखिए 10/1 9/1 10/1 भी 1 10 और 9/1 भी 10,
जो इनमें से मिनिमम होगा वो हमारा वेरिएबल सिलेक्ट होगा, ठीक है, आउटगोइंग वेक्टर के लिए। तो हाफ ये कितना हो गया, मोर देन, ये तो काफी बड़ा नंबर है, ठीक है, मोर देन 5 है ये, तो यहां से क्या हो जाएगा, हालांकि मोर देन 6 भी है, ठीक है। तो देखिए ये 10 है, ये 9 है, लेकिन सबसे कम क्या है, हाफ है। हाफ क्या है, इनमें सबसे छोटा है, तो हाफ से रिलेटेड जो वेरिएबल है वो हमारा आउटगोइंग वेक्टर होगा, और हाफ किससे रिलेटेड है, इस वाली लाइन से, ठीक है। तो A1 हमारा क्या होगा, आउटगोइंग वेक्टर होगा, तो A1 इज आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है, इट इज आउटगोइंग वेक्टर। और देखिए जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आउटगोइंग वेक्टर होता है तो नेक्स्ट टेबल में वो हट जाता है, ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट टेबल में नहीं बनाएंगे, और हमारा आउटगोइंग वेक्टर ये है। और आउटगोइंग वेक्टर और इनकमिंग वेक्टर के जो इंटरसेक्शन पे वेरिएबल होता है उसे कहते हैं की एलिमेंट, ये हमारा की एलिमेंट है टेबल का, ठीक है। अब बिल्कुल जैसे सिंप्लेक्स मेथड पे हम सेकंड टेबल बनाते थे, वैसे की वैसे यहाँ पर हम सेकंड टेबल बनाएंगे। आइए मैं फटाफट आपके लिए सेकंड टेबल बनाकर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस हमने सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके इसकी टेबल नंबर 2 बना ली है, ठीक है। तो वही कैलकुलेशन करनी है जो आप बीएससी में सीख कर आए हो, अदर कोई चीज नहीं है। अब जो नई चीज होगी वो यहाँ टेबल नंबर 2 से स्टार्ट होगी, ठीक है। जब मैं टेबल नंबर 2 में जेड जे माइनस सी जे फाइंड करूंगा, और जब मैं मिनिमम रेशो लेना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पर मिनिमम रेशो 9-9/5 आएगा, ठीक है, और ये -9/5 में सिलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, तो देखिए जब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा तो मेरा इनकमिंग वेक्टर क्या होगा, लैम्डा 1, ठीक है। जब मेरा इनकमिंग वेक्टर लैम्डा 1 होगा, तब उस सिचुएशन में मुझे यहां से इसका मिनिमम रेशो फाइंड करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहां से मिनिमम रेशो फाइंड करता हूं, तो मुझे लैम्डा 2 के लिए जो मिनिमम रेशो, सॉरी लैम्डा 1 के लिए जो मिनिमम रेशो मिलेगा वो क्या होगा, इसको यहां से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो यहां से तो मिलेगा क्या नाम से अपन को 10, ठीक है। तो लैम्डा 1 के लिए मैं बता रहा हूं मिनिमम रेशो 10 होगा फर्स्ट में, ठीक है। दूसरे में क्या हो जाएगा, यहां से 23 × 5/9, ठीक है, 23 × 5/9। और देखिए इन दोनों से मिनिमम रेशो नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो निल निल रहेगा, ठीक है। तो जो इन दोनों में से मिनिमम होगा वो ऑब्वियसली ये होगा, यहां से जो आउटगोइंग वेक्टर होगा वो x1 होगा। लेकिन जब लैम्डा 1 की एंट्री होगी, ठीक है, लैम्डा 1 की एंट्री पर, तो देखिए लैम्डा 1 की एंट्री पर क्या हो रहा है, x1 बाहर हो रहा है, लेकिन जो s1 है वो अभी भी टेबल में प्रेजेंट रहता है। x1 के बाहर होने पर जब लैम्डा 1 की एंट्री होती है तब s1 बाहर होता है, लेकिन 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 s1 वहां पर है, और लैम्डा 1 और s1 के लिए लेकर हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन क्या पढ़ी है कि इन दोनों का डॉट जीरो होता है, इस कंडीशन से क्या होता है, लैम्डा 1 की जो एंट्री है वो s1 के कारण रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, लैम्डा 1 इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड है ये बेसिस में, ठीक है, जो बेस वेक्टर है उसमें क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है लैम्डा 1, क्यों, क्योंकि लैम्डा 1 के आते आने के बाद भी s1 बेसिस में रहता है। अगर ये होता कि भाई लैम्डा 1 एंट्री ले रहा है और s1 बाहर निकल जा रहा है तो लैम्डा 1 आ सकता था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, लैम्डा 1 आ रहा है उस वक्त मिनिमम रेशियो से s1 बाहर जा रहा है, s1 बाहर जा रहा है, लेकिन s1 के बाहर जाते ही लैम्डा 1 और s1 दोनों सेम बेसिस में हो जाएंगे, जिस कारण से इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लैम्डा 1 की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी बेसिस के अंदर, ठीक है। तो इस कारण से हम इसको चूज नहीं करेंगे, हम किसको चूज करेंगे, जो उससे कम नेगेटिव है, x2। अब x2 के लिए चेक करेंगे, ठीक है, तो x2 के लिए जो कंडीशन है वो क्या कहती है कि t1 और t2 नहीं होने चाहिए अंदर, ठीक है, तो t1 t2 तो वैसे भी अंदर नहीं है, तो इसकी एंट्री इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो देखिए x2 के लिए t2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहां पर अब हम आगे करते हैं, इसके लिए मिनिमम रेशो जब हमने फाइंड किया तो यहां से भी कौन आउट हो रहा था, यहां से भी x1 आउट हो रहा था, तो हो जाने दीजिए, बाकी जो x2 का जो दुश्मन है या जो क्या नाम से इसके लिए खिलाफियत जो वेरिएबल है वो कौन है, वो है t2, और t2 यहां पर नहीं है बेसिस में, तो हम आसानी से x2 को अंदर ला सकते हैं, ठीक है। और जब हमने कैलकुलेशन करी, वापस टेबल नंबर 3 बनाई, तो यहां पे देखिए x2 आ गया, a2 ऑलरेडी है, s1 और s2 ऑलरेडी है, और ये फिर नई टेबल बना ली जैसे हम कैलकुलेशन जानते हैं उससे, ठीक है। फिर देखिए क्या हुआ, हमने मिनिमम रेशो फाइंड किया और यहाँ पे जो मोस्ट नेगेटिव था -3/2, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि जब इसकी एंट्री होगी लैम्डा 1 की, ठीक है, तो भी जब आउटगोइंग वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ठीक है, इसके लिए 10 आएगा, किसके लिए, लैम्डा 1 की एंट्री के लिए मिनिमम रेशो 10, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से अगर मैं देखूं तो माइनस का आएगा, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, यहां से ये नेगेटिव आएगा, यहां से ये जाएगा नहीं, इससे दबेगा नहीं, ठीक है, तो ये आ जाएगा, और फिर से यहां से x2 ही हमारा क्या रहेगा, आउटगोइंग वेक्टर रहेगा, ठीक है, x2 आउटगोइंग वेक्टर रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा,
कि इसकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एस वन यहाँ पर है, एस टू के आउट होने पर भी एस वन ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये अभी भी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। और फिर मोस्ट नेगेटिव दूसरा लैम्डा टू, लैम्डा टू की एंट्री पर क्या होगा, लैम्डा टू की एंट्री पर भी सेम गेम होगा कि एक्स टू बाहर जाएगा, ठीक है, और एक्स टू बाहर जाने पर एस टू यहाँ पे रहेगा, एस टू होने के कारण लैम्डा टू की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, क्यों? क्योंकि लैम्डा वन की एंट्री को तो रेस्ट्रिक्ट करेगा एस वन और लैम्डा टू की को करेगा एस टू, ठीक है, तो लैम्डा वन लैम्डा टू अभी तो अंदर नहीं जा सकते, ठीक है, तो हम देखेंगे उससे कम नेगेटिव कौन सा है, ये। अब इसको एंट्रिंग वेक्टर लो, इसको एंट्रिंग वेक्टर लेते क्या हो जाएगा, इसको एंट्रिंग वेक्टर के लिए यहां से मिनिमम रेशियो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, यहां से बढ़ेगा, यहां से बढ़ेगा, यहां से बढ़ेगा, तो यहां से जो मिनिमम है 10 वो आउट होगा, और आउट होते कौन आउट हो जाएगा, एस वन आउट हो जाएगा, ठीक है, और एस वन आउट गोइंग वेक्टर हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट टेबल में हम फिर से सॉल्व करेंगे, और सेम प्रोसेस का ध्यान में रखते हुए, रेस्ट्रिक्शन का ध्यान में रखते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो हमारे पास इसका जो फिफ्थ टेबल है, ठीक है, फिफ्थ टेबल में इसका आंसर आ जाएगा। और इसमें क्या होंगे, जो फिफ्थ टेबल में होगा, जनरली हम सिंप्लेक्स मेथड में क्या देखते हैं कि जेड जे माइनस सी जे नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है, और होगा क्या कि इस मेथड के अंदर स्पेसिफिकली जो पूरा जेड जे माइनस सी जे है वो जीरो 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 आ जाएगा, ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली जीरो 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 आएगा, और यहीं पर जैसे ही पूरा जेड जे माइनस सी जे जीरो हो जाए हमारे पास क्या आएगा, स्टेट ऑफ ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और जब स्टेट ऑफ ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा तो वहां पर से जो x1 x2 की वैल्यूज होंगी, ठीक है, जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू होगी, उन वैल्यूज में हमें चेक करना है लैम्डा 1 लैम्डा 2 पॉजिटिव रहने चाहिए, ठीक है, जो मैंने बताया ना पांचवी कंडीशन को यूज नहीं करना शुरू में, ठीक है, तो पांचवी कंडीशन यही थी कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 पॉजिटिव होने चाहिए, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए इन दिस केस, और वो पॉजिटिव आएगी, और x1 x2 की जो वैल्यू है उसको फिर हम जो हमारा गिवन जो शुरू शुरू में गिवन था ऑब्जेक्टिव फंक्शन QPP के अंदर उसमें रखेंगे, वहां से हम क्या निकालेंगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसके जो रिलेटेड बाकी जो सॉल्यूशन है इसका नेक्स्ट जो टेबल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर एक PDF है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा विद फुल नोट्स, ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मैसेल गोविंद सरी, यू आर वॉचिंग लॉग एम लेट एम फॉर मैथमेटिक्स।